बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हाबर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के इंफॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। तो आज भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट्स में इसी तरह अपने राय का इजहार करते रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके कमेंट से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका मुझे नहीं पता होता या वो न्यूज़ मुझ तक नहीं पहुंची होती, और आपके कमेंट से ही मैं नेक्स्ट टॉपिक जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना होती है वो आपके कमेंट से ही लेता हूँ। तो इसलिए इसकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट्स करते रहा करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये है जी, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मेरे जो मैं अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे उस व्हाट्सएप पे मुझे मेरी एक बहन है जी इंग्लैंड से हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ और वो हैं झेलम से शायद और किसी गाँव से, और उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताएं कि जो न्यू मेट्रो सिटी है वो बेस्ट है या द ग्रैंड सिटी वो बेस्ट है। तो मैं आपको बताता चलूँ जी, न्यू मेट्रो सिटी और ग्रैंड सिटी दोनों ही अच्छी सोसाइटी हैं। हुआ इस तरह है, इस तरह मेन जो जीटी रोड है जो खारियां टू सराय आलमगीर या सराय आलमगीर टू खारियां जा रही है, उस मेन रोड पे ये सोसाइटी दोनों वाकई हैं, न्यू मेट्रो सिटी भी और द ग्रैंड सिटी भी। ग्रैंड सिटी इससे पहले आई थी, उसे तकरीबन इधर 8 साल हो चुके हैं, कम्प्लीट हो चुके हैं, वो काम कर रही है अभी भी। मेरी अपनी उधर ज़ाती इन्वेस्टमेंट है और मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और उसके बाद बात करते हैं न्यू मेट्रो सिटी की। न्यू मेट्रो सिटी बिल्कुल इसके साथ है, थोड़ा सा आगे से आलमगीर की तरफ करीब ही है, बिल्कुल साथ ही बल्कि, तो वहाँ भी मैंने अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो अभी तक चल रही है, हर ब्लॉक में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ न्यू मेट्रो सिटी में कुछ ना कुछ थोड़ी सी बहुत इन्वेस्टमेंट है। दोनों ही सोसाइटी मैं नहीं कहता बुरी हैं। हुआ इस तरह, न्यू मेट्रो सिटी तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर उन्होंने काम किया और बहुत ज़्यादा काम किया, जो उन्होंने टाइम दिया था उससे पहले उन्होंने डिलीवर किया। मेरी कुछ ब्लॉक्स में पेमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, अब जो कि कंप्लीट हो चुकी है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी तो मुझे लेटर आ गया था कि आप जो बलेटिंग कर दी गई थी तो उन्होंने मुझे बता दिया कि आपका जो प्लाट है ये फलां ब्लॉक में फलां नंबर ये प्लाट है आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात न्यू ग्रैंड दो द ग्रैंड सिटी की। द ग्रैंड सिटी थोड़ा सा काम स्लो है लेकिन उन्होंने भी डिलीवर किया है। उसी तरह ब्लॉक चल रहे हैं, ब्लॉक ए बी सी डी, तो उसके बाद अब उन्होंने जनाब ओवरसीज ब्लॉक भी बनाया, उसके पीछे और 2-3 ब्लॉक बनाए हैं, वो भी कर रहे हैं काम वहाँ, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी अब भी काम कर रही है, अभी रिहायशें नहीं बनी। द ग्रैंड सिटी में रिहायशें बन गई हैं, लोग रह रहे हैं, जो पहला प्लान उन्होंने दिया था ब्लॉक ए बी सी डी का वहाँ वो कंप्लीट हो चुका है, वहाँ उन्होंने वहाँ रिहायशें बनी हुई हैं, तकरीबन काफ़ी रिहायशें बनी हुई है, मैं ये नहीं कहता कि 30-40, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, ज़्यादा रिहायशें बनी हुई हैं। तो दोनों ही सोसाइटी अच्छी हैं। अगर बात की जाए पेमेंट प्लान की, तो पेमेंट प्लान दोनों के में कोई खास डिफरेंट नहीं है, कोई खास फ़र्क नहीं है, करीब करीब ही हैं दोनों की प्राइसें हर ब्लॉक में। अगर ओवरसीज ब्लॉक उनका अगर 5 मरले का प्लाट आपको मिलता है 20-22 लाख में, तो इनका भी इतने का ही है, 20-22 का, इससे ना ज़्यादा ना कम है। अगर ओवरसीज ब्लॉक में 7 मरले के प्लाट की बात की जाए तो इनका भी तकरीबन 25,75,000 का है, उनका भी 25,50,000 या 26 के करीब करीब है, इससे कम ये ज़्यादा नहीं है, यानी कि प्राइसें दोनों की कम्प्लीट करीब करीब हैं, जगह करीब करीब है सारी। और अगर लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन भी दोनों की एक साथ ही है, क्योंकि मेन रोड के ऊपर है और ये भी थोड़ा सा हाईली एरिया है, और ये जो न्यू मेट्रो सिटी है ये भी तकरीबन थोड़ा सा हाईली एरिया है, तो अच्छी दोनों सोसाइटी हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर आपको बहुत जल्दी ज़रूरत है अपने प्लाट की, क्या हमें प्लाट बहुत जल्दी चाहिए, तो न्यू मेट्रो सिटी बेस्ट है। द ग्रैंड सिटी आपको प्लाट देगी, काम कर रहे हैं, आपकी पेमेंट जो वो नुकसान में इंशाल्लाह नहीं जाएगी, आप नुकसान में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन देंगे, वो डिलीवर कर रहे हैं, देते हैं, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जितना मैं इन्वेस्टमेंट किया था
मुझे वो मिला है। न्यू मेट्रोसिटी इसलिए डिलीवर ज़रा जल्दी कर ली है कि इनके पास इक्विपमेंट्स ज़्यादा हैं, उनको थोड़ी सपोर्ट है, बहरिया की मलक जहाज की सपोर्ट है, किसी चीज़ की उन्हें अगर कमी ज़्यादती होती है तो वो उनको पूछ करते हैं, वो उनको पूरी हेल्प उनकी करते हैं। ये जो एक ग्रुप है, ये अलग से ग्रुप है, सिविल ग्रुप है, सिविल से मुराद यानी कि इतना स्ट्रांग नहीं होगा शायद इक्विपमेंट से लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से, तो उस वजह से थोड़ा सा काम स्लो है, लेकिन काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सी ऐसी शख्सियात हमारे गुजरात खारियाँ की जो अपने गाँव से देहातों से निकल के अब इस द ग्रैंड सिटी में उन्होंने रिहाइशें अपनी रख ली हैं, बनाई हुई हैं। तो दोनों ही सोसाइटी अच्छी हैं, आप आंखें बंद करके इस दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ग्रैंड सिटी में भी और न्यू मेट्रो सिटी में, दोनों ही सोसाइटियाँ अच्छी हैं। तो ये थी कि दोनों का डिफरेंस इतना कुछ खास नहीं है फ़र्क दोनों। हाँ, दूसरी कुछ और सोसाइटीज़ शुरू हुई हैं, उनका इनसे बिल्कुल भी मुआवजा नहीं किया जा सकता। तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क रोज़ी में इजाफा करें, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।